आज के इस मशीनी युग में भी मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी मशीन को मात दे सकता है। समस्या यह है कि वह मशीन्स पर इतना डिपेंड हो गया कि खुद उनका एग्जिस्टेंस भूल चुका है। इंसान से भूली एग्जिस्टेंस को याद दिलाने का बेस्ट तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन मनुष्य के DNA पर असर करता है। मेडिटेशन से सब पॉसिबल कर सकते हैं। यह सरल तो नहीं है किंतु असंभव भी नहीं है। ब्रेन ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर होता है। जिस प्रकार किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल लगता है, ह्यूमन बॉडी को फूड, वाटर, विटामिन वगैरह लगता है। गाड़ी लंबे समय तक अच्छी बनी रहने के लिए टाइम पर जैसा सर्विसिंग नेसेसरी है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को चलाने वाली ब्रेन को भी सर्विसिंग जरूरी है। मेडिटेशन ब्रेन के लिए सर्विसिंग का काम करता है। आजकल विचारों की गति इतनी तेज है कि नींद में भी सपनों के रूप में आते हैं, जिसे सुबह सोकर उठने के बाद भी इंसान टायर्डनेस महसूस करता है। आधा घंटा मेडिटेशन 4 घंटे नींद के बराबर ब्रेन को आराम देता है। कई रिसर्च के अनुसार ह्यूमन ब्रेन में पर डे नियरली 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिसमें नियरली 47% थॉट्स को इंसान थोड़ी ही देर में भूल जाता है। बाकी थॉट्स फ्यूचर या पास्ट का होते हैं। अगर इंसान इस थॉट्स पर कंट्रोल नहीं किया तो वो उदासी का शिकार बन जाता है, जो समय के साथ किसी भी बीमारी के रूप ले सकते हैं। मेडिटेशन इस थॉट्स को कंट्रोल करते हुए पास्ट को इग्नोर करके प्रेजेंट में जीना सिखाता है। कभी कभी बीती हुई बातें दिमाग से जाती नहीं, जिसके कारण दिन खराब जाता है। मेडिटेशन से इन विचारों की गति धीमी होती है तो उसमें नए विचारों के लिए जगह बनती है। अगर उस समय मन को पॉजिटिव थॉट्स दिए जाते हैं तो कुछ दिनों में इंसान की सोच में चेंजेस आते हैं। हम नोटिस करते हैं कि ज़्यादा चिंतित या निगेटिव थिंकिंग पीपल एजड दिखते हैं। अगर मेडिटेशन करते हुए थॉट्स को कंट्रोल करते हुए सोच बदला तो लोग खुश रह सकते हैं, जिससे यंग दिखते हैं। बचपन में बच्चे आज झगड़ा करते हैं और कल फिर दोस्त बन जाते हैं। बड़े होने के बाद इंसान छोटे छोटे बातों को सोचकर बड़ा बना देता है। नेगेटिव थॉट्स से पीड़ा देने वाली पुरानी बातों से, मन में घृणा पैदा करने वाली यादों से रेसिस्टेंस मेंटल एनर्जी कमजोर होती है। मेडिटेशन सिर्फ थॉट्स की गति कम कर उनकी दिशा ही नहीं बदलता है, बल्कि बच्चों की तरह उत्साहित रखता है। मेडिटेशन से होने वाले ब्रेन में चेंज मनुष्य में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है।